सवा एपिसोड जिसे संबोधित कर रहे हैं और पीएम मैंने मोदी। कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार, हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है,
मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है, कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है
तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है, एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है, और आपकी बड़ी प्रशंसक है आपकी। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट्स जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटिया के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी, ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है, इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200+ है। अरे वाह। मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर, अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी। जी सर, मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे, लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर, और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर, इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई इसमें, बहुत से ऑर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 250-300 गांव में जितने भी लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर, मेरी तरफ से आपको और गाँव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे,
जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन। एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? सर, स्टिल वर्किंग अलोंग विद माय 30 वुमेन। इन सच अ शॉर्ट पीरियड यू हैव रीच 30% टीम? यस सर, दिस ईयर आल्सो मोर एक्सपांड विद 100 वुमेन इन माय एरिया। सो योर टारगेट इज 100 वुमेन? या 100 वुमेन। एंड नाउ पीपल आर फैमिलियर विद दिस लोटस स्टेम फाइबर? यस सर, everyone know from Mann Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yeah, sir. From Prime Minister Mann Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local, and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. Sathiyo, मन की बात की एक और विशेषता रही है, मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान।